Hello everyone, hope you all are fine. Now we are going to start with the next topic related to class 12 physics, and the next topic is the power associated with the pure L circuit. Pure L circuit से associated क्या power होती है, क्या इसकी value रहती है. इनसे पहले वाली videos में, इनसे पहले वाले lectures में, theory में हम लोगों ने ये देखा कि pure L circuit में जो EMF है वो lead करती है current को by 90 degree. And the phase difference between E and L is of 90 degrees. हमने इनसे पहले वाली वीडियोस में देखा कि जो EMF है वो करंट को लीड करती है by 90 degrees. EMF leads the current by 90 degrees. तो आप करंट और EMF के लिए क्या वैल्यूज दे सकते हैं? E is equal to E naught sine of omega t and I is equal to I naught sine omega t minus 90. E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus 90. अब क्योंकि sin minus theta minus sin theta होता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? I naught sin या minus I naught sin 90 minus omega t. ये मैं आप लोगों को steps बता रही हूँ कि I को मैंने minus I naught cos omega t कैसे लिखा है. In what way I have written this expression? आप sin omega t minus 90 को लिख सकते हो minus sin 90 minus omega t और sin 90 minus omega t again using the simple trigonometric formulas होती है cos omega t. तो I की value बन जाएगी minus I naught cos of omega t. So in this particular expression the value of I is minus I naught cos of omega t. Now what is the work done in maintaining the current in inductor? ये क्या है भाई, क्यों लिया गया है, कैसे लिया गया है, किस वर्क डन के बारे में ये बात कर रहा है, थोड़ा पहले इसके बारे में जानते हैं. आपने एक सर्किट में इंडक्टर लगाया, आपने एक सोर्स लगाया, तो जो इंडक्टर है, जो हमारा सर्किट है, जो हमारा सोर्स है वो कुछ वर्क कर रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट. हमारा जो सोर्स है वो कुछ करंट कर रहा है या वो कुछ काम कर रहा है. Some work is done by the source to increase the current from zero to the maximum value I naught. Some work is done by the external source. और उस work done को हम लोग कहते हैं energy stored in the inductor. इसका formula क्या होता है? Half L I naught square. तो यहाँ पर वो जो W है, ये जो W है, यहाँ पर W में वो बात कर रहा है work done की. मान लो एक source को dt time के लिए या dt टाइम में वो dw वर्क करता है जो होता है ei dt. dt टाइम में जो मेरा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, मेरी बैटरी है, मेरा एसी सोर्स है, वो जो वर्क करता है वो dw इज इक्वल टू ei dt होता है. तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन वी हैव टू डू नथिंग बट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 टू t ei dt. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ei dt. अब यहां से जो आपकी वैल्यूज हैं e की और i की, उन्हें यहां पर पुट कर दीजिए. e इज इक्वल टू e नॉट sin ओमेगा t एंड i इज इक्वल टू माइनस i नॉट cos ओमेगा t dt. e इज इक्वल टू e नॉट sin ओमेगा t एंड i इज इक्वल टू i नॉट cos ओमेगा t. और जो ये माइनस का साइन है ये यहाँ पर आ गया इनटू डीटी. ई नॉट आई नॉट आप इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर ले लोगे. माइनस ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन अगेन आई नॉट इंपोज द लिमिट्स ओवर हियर. अगेन वही लिमिट्स रहेंगी 0 टू टी क्योंकि हम ओवर द फुल साइकिल वर्क डन की वैल्यू को निकाल रहे हैं. माइनस ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डीटी. अब यहाँ पर क्या किया मैंने, इस टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया. जो ये टर्म है इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन जाती है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी. और जो 2 नीचे है वो यहाँ आ गया, बाहर आ गया. इट हैज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल. जो इंटीग्रल है उस इक्वेशन से बाहर मैंने ये वाला 2 लिया है. तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे. अगेन हमने क्या किया है, हमने वर्क डन निकाला है, टोटल वर्क डन निकाला है W, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ei dt, जो कि हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं.
ओवर द कंप्लीट साइकिल. क्या वर्क होने वाला है? 0 टू t e i d t माइनस e नॉट साइन ओमेगा t i नॉट कॉस ओमेगा t dt. यहां पर हमने क्या किया है, e और i की वैल्यूज को पुट किया है. माइनस e नॉट i नॉट आप बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t dt माइनस e नॉट i नॉट बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t 2 साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t dt. यहाँ एक माइनस का साइन आपका रहने वाला है, दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाय में 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन 2 ओमेगा t dt. क्यों? यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अगर मैं लूँ तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन 2 ओमेगा t को आप लिख सकते हो 2 साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t, इसीलिए इसकी जगह ये एक्सप्रेशन आ गई है. अब हमारा सिर्फ टोटल वर्क डन निकालने के लिए एक काम बचता है, इस इंटीग्रेशन को कंसीडर करना कि हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t. इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करें जिसकी लिमिट्स 0 से t तक है. इस इंटीग्रेशन को देख लेते हैं अभी एक बार. तो पावर एसोसिएटेड विद प्योर सर्किट की वैल्यू क्या रहने वाली है इस केस में? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाय में 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t sin 2 ओमेगा t dt. इंटीग्रेशन कीजिए माइनस ई नॉट आई नॉट बाय में 2 sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस cos 2 ओमेगा t बाय में 2 ओमेगा एंड द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t. sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस cos 2 ओमेगा t बाय में 2 ओमेगा limits from 0 to t and that is equal to e naught I naught by me 4 omega limits cos 2 omega t limits from 0 to t. जो ये minus sign था वो बाहर आ गया और expression आपका positive बन गया. तो last equation यहाँ पर आपको बनता है e naught I naught by me 4 omega अंदर है cos 2 omega t 0 to t e naught I naught by me 4 omega cos 2 omega t limits from 0 to t e naught i naught by में 4 omega cos 2 into omega into t minus cos 0. इस step में मैंने क्या किया है, I have done nothing but impose the limits. मैंने इस step में जो limits हैं उनको लगा दिया है. हमने कहा जो हमारे integration limits हैं वो 0 to t हैं, तो मैंने उन्हें सिर्फ इस expression में use किया है, put किया है. तो इक्वेशन बन जाएगी e नॉट i नॉट बाय 4 ओमेगा cos 2 into ओमेगा into t minus cos 0. ओमेगा की जगह ले लीजिए 2 पाई बाय t, ओमेगा होता है 2 पाई बाय t. एक्सप्रेशन बन जाएगा e नॉट i नॉट बाय 4 ओमेगा cos ऑफ 4 पाई minus 1. cos 4 पाई इज 1. सो वी हैव e नॉट i नॉट बाय 4 ओमेगा into 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर द पावर एसोसिएटेड विद अ प्योर L सर्किट is equal to 0. The power associated with the pure L circuit is equal to 0. So in this way we have proved that if we are considering a pure L circuit, कि अगर हम लोग अगर एक pure L circuit के बारे में बात कर रहे हैं तो pure L circuit में जो power रहती है उसे associated जो power होती है वो 0 होती है. Now consider the case, similar is the case for the power associated with the pure C case. एक बार pure C वाला case हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. I hope that this thing is clear to all of you. Moving ahead. Now in the case of a pure C circuit, capacitor के case में, pure C circuit के case में क्या होने वाला है? Capacitor के case में जो हमारा current है वो voltage को EMF को लीड करता है. करंट ये करंट लीड से ईएमएफ बाय 90 डिग्रीज. तो ये वही चीज है, ये वही फेजर डायग्राम है जो हमने अभी तक स्टार्टिंग में किया था. प्योर सी सर्किट में क्योंकि हमारा करंट लीड करता है ईएमएफ को, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशंस रहेंगे ई के और आई के? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, जिसे आप आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो. E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus 90, that is equal to I naught cos omega t.
Now what is the burden in charging the capacitor? कह रहे हैं कि कुछ वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए. इनिशियल कैपेसिटर में चार्ज जीरो था, आप उसको चार्ज कर रहे हो अप टू सम वैल्यू क्यू नॉट, तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन इज आल्सो शोड एज द एनर्जी इन द कैपेसिटर, जिसका एक्सप्रेशन होता है हाफ सी वी स्क्वायर. तो जो ये जो चीज लिखी हुई है वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर वो क्या है, वो मैंने आपको बता दिया. अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए. इन ऑर्डर टू चार्ज द कैपेसिटर और ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सम वर्क हैज टू बी डन एंड दैट वर्क डन इज आल्सो स्टोर्ड एज द एनर्जी इन द कैपेसिटर. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 सी वी स्क्वायर. तो क्या वर्क करना पड़ता है अभी कैपेसिटर की चार्जिंग में, या टोटल वर्क डन कितना होता है भाई? पहले हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, फिर कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना शुरू किया, तो टोटल वर्क डन कितना, एवरेज वर्क डन कितना है? सो इट इज गुड दैट अब यहाँ पर इन चार्जिंग द कैपेसिटर ना लिख करके कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो आप सिंपल लिखिए वर्क डन एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर, इस तरीके से लिख सकते हैं. To be more detailed with the concepts, आप इस तरीके से लिख सकते हो work done associated with the capacitor. क्या work done associated हुआ capacitor के साथ? Work done is equal to integral from 0 to t EI dt. Work done is integral EI dt from 0 to t. E का expression क्या है? E naught sin omega t. I का expression क्या है? I naught sin omega t plus 9 t. E naught, I naught, integral from 0 to t, sin omega t, cos omega t, dt. क्यों? Sin omega t plus 90 को आप cos omega t लिख सकते हो. Sin omega t plus 90 is cos omega t. Therefore, E naught, I naught by 2, integral 2 sin omega t, cos omega t, dt. Again, same, हम लोग चल रहे हैं जैसे हमने इंडक्टर का केस किया था कि आपने 2 से multiply और divide कर दिया. 2 sin omega t cos omega t को आप लिख सकते हैं sin 2 omega t. कहीं मेरे इंटीग्रेशन लिमिट्स रह गई हैं तो जस्ट इंपोज द इंटीग्रेशन लिमिट, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 0 to t. sin 2 omega t dt. E naught I naught by 2 sin 2 omega t dt. इसका इंटीग्रल मैंने भी आपको इसी वीडियो में प्योर एल सर्किट में करवाया है और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है the value of this integral is nothing but equal to a zero. Therefore, the work done associated with the capacitor is zero. अब अगर work done zero है, तो power associated with pure C circuit क्या होगी? Zero होगी. And this is your homework. मैंने भी आपको pure L circuit में ये करवाया है, कैसे prove हुआ है zero के equal. ये आपको complete करना है by yourself. जब आपकी notebooks मैं लूँगी, notes लूँगी check करने के लिए, तो मुझे ये चीज कंप्लीट चाहिए. जो आप अभी मैंने इसी वीडियो में प्योर एल सॉफ्टवेयर में करवाई है तो वहां से हो जाएगा. अगेन क्या किया इसमें हमने, E is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught cos omega t, power associated with capacitor W, sorry, work done associated with capacitor W, integral 0 to t E I dt. Integration from 0 to t, E naught sin omega t, I naught sin omega t plus 90 dt. E naught, I naught बाहर आ गए इंटीग्रल के. Integration from 0 to t, sin omega t, cos omega t dt. E naught, I naught by 2, integration 2 sin omega t, cos omega t dt. That becomes equal to sin 2 omega t. So in this way, as the work done is 0, therefore the power associated with the pure C circuit is 0. So in today's video, we have done the two important related topics. हम लोगों ने दो related topics के बारे में बात की है. And your homework is to complete this topic in your fair notebooks. And this topic should be known to all of you. इससे आगे का हम लोग next video में पढ़ेंगे.
So be regular with the videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.